स्तरीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष को कैंथरी सरपंच ने मिलकर दिया ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के धौलपुर आगमन पर ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजय कांत शर्मा ने उनका अभिनंदन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्राम पंचायत क्षेत्र की अनेक समस्याओं से उन्हें अवगत कराया तथा विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैंथरी ग्राम पंचायत से संबंधित समस्याओं को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को जांच करवाने के निर्देश दिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर सरपंच अजय कांत शर्मा की प्रशंसा की तथा शीघ्र ही ग्राम पंचायत कैथरी को सम्मिलित किए जाने को लेकर जयपुर में अधिकारियों से बात करने के बारे में बताया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान सिंह जगन भवन पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा से मिलकर उनके पुत्र अशोक शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठे हुए इसमें बेसिकली कार्यक्रम से जुड़ी योजनाएं और राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं, उनके प्रगति देखेंगे, विस्तार से समीक्षा करेंगे और नए वित्त वर्ष में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं केंद्र सरकार ने सबको इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीसुका में तो योजनाएं पहले से तय होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जैसे घर घर में ये जल कनेक्शन की योजना है, गरीब लोगों को अनाज की है, इसी तरह से जो नरेगा योजना के माध्यम से रोजगार देने की है, एसटीएससी के फैमिलीज का जो विकास करना उनकी मदद करनी है, इसी तरह से किसानों को एग्रीकल्चर के कनेक्शन दे रहे हैं। इस तरह से करीब 12 से 13 योजनाएं हैं, उनकी प्रगति जो है उसी में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन में काम करता हूँ कि राजस्थान सरकार में जैसे मेडिकल हेल्थ में इसमें और हर सेक्टर में हर विभाग की जो 28 योजनाएं हैं उनकी प्रगति। जैसे घर घर में जल पहुँचाने की योजना है तो हमारे यहाँ सैकुल में चंबल योजना है, वो दफ्तरों से सर उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके लिए लोगों को चंबल का पानी भरपूर तक पहुँच रहा है, यहाँ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सर अब चंबल में तो पानी पानी है, फिर भी आपके घर पानी नहीं पहुँच रहा है, क्या करें सर? कल इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी कई लोगों ने मुझे कहा है कि साहब ये चले दे रहा है कि इतना पानी चंबल में आजकल आप देख रहे हो, मैं तो 22-23 वहाँ था, कोटा 12 और झालावाड़ वहाँ भी पानी पानी था, काली सिंगर इधर है चंबल में पानी पानी आया, तो निश्चित रूप से इतना पानी होने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँचता है तो लोगों को थोड़ा अफसोस होता है। नहीं तो खैर पानी तो है, तो योजनाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से लागू हों, और सबसे बड़ी यह है कि वाटर सोर्स होने के बावजूद भी आप जानते हो कि घर घर कनेक्शन देने के लिए तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, पाइप लाइन वगैरह बिछाना है, टंकी वगैरह बनाना है, देखेंगे उसको व्यवस्था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन का जिला कलेक्टर ने किया अवलोकन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्राम पंचायत अजीतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का निरीक्षण किया। खेल समिति को दिए आवश्यक निर्देश। टेनिस क्रिकेट बॉल विजेता टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर बधाई देकर उत्साहवर्धन किया। सरपंच प्रतिनिधि द्वारा खेल मैदान की बाउंड्री वॉल करवाने का रखा प्रस्ताव। कलेक्टर अग्रवाल ने जल्द प्रस्ताव भेजने की बात कही। खेल मैदान में मौजूद बुजुर्गों एवं उपस्थित ग्रामीण जनों को खेल में भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही पीईओ अजीतपुर से भामाशाहों के सहयोग लेने के निर्देश दिए। इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुजरपुरा प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। विधायक रोहित बोहरा ने किया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयोजित की जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक बोहरा ने कहा, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही बच्चों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता ग्राम पंचायत से शुरू होकर प्रदेश स्तर तक आयोजित होगी। सरकार की ओर से पारंपरिक
खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उन खेलों से जुड़कर सभी व्यक्ति उनको जीवित रख सकें, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, टेनिस आदि खेलों को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिला। विधायक ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। विधायक बोहरा ने राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम छीतापुरा, खुडिला, विंतीपुरा, दिहोली, मांगरोल, बरेठा, टांडा, कृपाकापुरा में पहुंचकर खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम देवी सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह, गंगा प्रसाद सरपंच, राजेश सिकरवार, अजीत पुरोहित, नाहर सिंह, रवि सिकरवार सहित ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। हार और जीत खेल के भाग हैं, लेकिन खेलना जरूरी, आंगई समुथरा की प्रमुख खबर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अवसर पर मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के दीक्षा, रश्मि, अंकिता, सपना, कान्हा इत्यादि छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अतिथियों एवं वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्य अतिथि सरपंच मलखान सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हार और जीत खेल के ही हिस्से हैं, इसीलिए हार और जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना खेलना जरूरी है। इसीलिए सभी को खेल भावना को ध्यान में रखते हुए खेल खेलने चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ग्रामीण ओलंपिक के तहत निर्धारित खेल हुए खो खो में ताजपुरा बालिका की टीम फाइनल में जीत कर ब्लॉक स्तर पर पहुंच गई, जिसका ब्लॉक स्तरीय टीम से मैच होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी विवेक सिंह परमार, हरिचरण कुमार, खेल प्रभारी श्री राम नेहरा, राजेश ढाका, खो खो मैच रेफरी नेमी चंद कटारिया, विजेंद्र सिंह के साथ स्थानीय विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं पंचायत के अनेक ग्रामीण दर्शक के रूप में मौजूद रहे। सरमथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। शांति कुंज हरिद्वार की टोली ने शक्तिपीठ बाड़ी में दिया आज मार्गदर्शन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि जेपी चौधरी, पुष्कर जोन प्रभारी श्याम सिंह भरतपुर, गायत्री शक्तिपीठ समन्वयक नरेंद्र कुमार जोशी आज गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में पधारे। अतिथियों को तिलक लगाकर माला पहनाकर मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम गोयल, संजय कुमार, अरुण कुमार शुक्ला, रामजीलाल सिंघल, नरेंद्र कुमार मंगल, हरिओम बंसल, रामदास शिवहरे, मुरारी लाल, मिठन लाल शिवहरे, रामबाबू मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया। जेपी चौधरी ने बताया कि शांति कुंज हरिद्वार में अखंड दीपक जल रहा है, जिसे 2026 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब वंदनीय माता भगवती जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। तब तक ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, देव स्थापना, गायत्री उपासना, स्वाध्याय, संयम, सामूहिक साधना कार्यक्रम ग्राम ग्राम तक चलाए जा रहे हैं। नरेंद्र कुमार जोशी भरतपुर जोन प्रभारी एवं श्याम सिंह ने समय दान, अंश दान का महत्व बताया। मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित ने बताया कि प्रत्येक रविवार को शक्ति पीठ में यज्ञ होता है तथा आगंतुकों का स्वागत आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह परमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य ट्रस्टी धौलपुर गायत्री शक्तिपीठ सुरेश शर्मा, नथीलाल शर्मा एडवोकेट, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, धीर सिंह जादौन, दक्ष कुमार शर्मा, रेखा शुक्ला, भारी संख्या में गायत्री परिजन उपस्थित रहे। गुमशुदा महिला धौलपुर बस स्टैंड से दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द की। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी कंचनपुर हेमराज शर्मा ने लगभग 10 दिन पूर्व घर से गायब हुई महिला के बारे में गाँव करेरुआ निवासी संतोषी लाल ने 19 अगस्त को थाना कंचनपुर में आकर अपनी पुत्रवधु प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल होतम सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया, जिन्होंने आज गुमशुदा महिला प्रिया को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया। दिनांक 19/8/22 को श्री संतोषी लाल निवासी करेरुआ ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित तहरीर पेश की कि मेरी पुत्रवधु प्रिया आज दोपहर 12 बजे से घर से बिना कहे कहीं चली गई है, जिस पर उसकी एफआईआर नंबर 7 थाना कंचनपुर पर दर्ज कर जांच श्री उत्तम सिंह हेड कांस्टेबल को सुपुर्द की गई, जिसकी पतारसी विभिन्न स्थानों पर की जाकर आज उसे धौलपुर बस स्टैंड से
प्रक्रिया को दस्तयाब किया जाकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है, जांच जारी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बांटे 50 पट्टे, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 28 एवं 29 में अभियान लगाया गया, जिसमें दो दिन के शिविर में 50 पट्टों का वितरण किया गया एवं 20 NOC जारी की गई, 6 जोनल प्लान स्वीकृत किए गए, शेष के लिए कार्रवाई जारी है। साथ ही मास्टर प्लान के संशोधन की कार्रवाई भी चल रही है। किसी भी व्यक्ति को मास्टर प्लान 2031 में संशोधन कराना हो तो नगर पालिका में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। शिविर में अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, JEN दयाल सिंह, सुरेश पार्षद, लोकेंद्र सिंह चौहान, अशोक शर्मा, होतम सिंह पहाड़िया, रफीक खान, विजेंद्र सिंह जादौन, नाहर सिंह, पार्षद जहूर खान, अन्य लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। जिला परिवहन अधिकारी ने कंट्रोल रूम के प्रभारी किए नियुक्त, धौलपुर की प्रमुख खबर। ऐतिहासिक देवछठ मचकुंड मेले के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन की पालना में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा मेला ग्राउंड में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां पार्किंग की व्यवस्था, ओवरलोड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, छत पर सवारी बैठाने वाले वाहनों तथा बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों के खिलाफ विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा व रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके लिए विभाग द्वारा परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह, सतवीर सिंह, हेमंत राणा एवं दूसरी टीम में परिवहन निरीक्षक नवरतन मीणा, धर्मपाल सिंह व योगेंद्र सिंह को लगाया गया। असहाय लावारिस कैंसर पीड़ित को अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचाया, बड़ी की प्रमुख खबर। विक्षिप्त असहाय पीड़ित लावारिस आश्रयहीन मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक लावारिस कैंसर पीड़ित व्यक्ति को अपना घर आश्रम भरतपुर में भर्ती करवाया। अपना घर सेवा समिति के बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महरे ने बताया कि एक व्यक्ति जिनका जन आधार कार्ड पर नाम जुगल किशोर शर्मा, पुत्र राम खिलाड़ी शर्मा, उम्र 63 वर्ष, निवासी 108 मुकुंदगढ़ हाउस, संसार चंद्र रोड, वार्ड नंबर 67, जयपुर हेरिटेज लिखा हुआ है कि सूचना समिति को मिली। इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने के बावजूद कोई व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं सका। गले में कैंसर है, काफी नाजुक स्थिति है। कोई सगा संबंधी न होने की वजह से सेवा और उपचार के लिए कोतवाली बाड़ी से इंद्राज कराकर एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम भरतपुर में एडमिट किया गया। जिसका कोई नहीं होता उसका अपना घर होता है। उपस्थित आमजन ने अपना घर आश्रम के इस पूर्ण कार्य की सराहना की। इस मौके पर अपना घर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 12 से अधिक यात्री वाहनों पर लगी सीढ़ियों को हटाया जाए, जिला कलेक्टर धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन संचालन को रोकने एवं मचकुंड मेला के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा की दृष्टि से 12 एवं 12 से अधिक चालक सहित यात्री वाहनों पर लगी सीढ़ियों को हटाया जाना उचित एवं समीचीन प्रतीत होता है। इसे लेकर जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा, जिला यातायात प्रभारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौलपुर जिले में 12 एवं 12 से अधिक बैठक क्षमता के चलने वाले समस्त यात्री वाहनों पर लगी सीढ़ियों को हटाने हेतु आदेशित किया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हरिद्वार में संपन्न हुई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने की। मंचासीन अतिथियों में राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल गोयल, विनोद अग्रवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रकाश गर्ग, सुरेश बंसल, सत्यभूषण जैन, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल एवं CB गोयल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनोज जिंदल, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती विनीता खेतावत अग्रवाल, मूवर्स एंड
पेकर्स के CMD रमेश अग्रवाल सहित विभिन्न प्रांतों से पधारे राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेशों के अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित बड़ी संख्या में अग्रबंधु शामिल हुए। सभी मंचासीन अतिथियों का प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रांतीय चेयरमैन ने माला पटका, पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अग्रसेन जयंती समारोह अग्रोहा शक्तिपीठ पर दिनांक 24, 25, 26 सितंबर 2022 को विशाल रूप से मनाया जाएगा।